हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की संस्कृति का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मित्रों राजस्थान की लोक नृत्य। मित्रों राजस्थान की लोक नृत्य जो टॉपिक है बहुत ही रुचिकर टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और मित्रों मेरी आशा है आपसे कि आप अच्छी तरह इस टॉपिक को सुनेंगे और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको पूरी तरह याद करेंगे। मित्रों बहुत ही रुचिकर है ये टॉपिक क्योंकि इसमें नृत्यों की बात होती है और नृत्य जो है वो हमारे राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। मित्रों राजस्थान की लोक नृत्य जो है वो हमारे हर परीक्षा में कंपटीशन के राजस्थान के जितने भी कंपटीशन होते हैं मित्रों उनमें विशेष तौर पे इन नृत्यों का नाम देकर इनके बारे में प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और इन नृत्यों के साथ हमारी राजस्थान की संस्कृति के बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य भी जुड़े हुए हैं। मित्रों लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों नृत्यों की बात करें तो वास्तव में जो नृत्य है वो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं मित्रों? पहला जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य होता है और दूसरा जो नृत्य होता है लोक नृत्य। अब मित्रों प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों नृत्यों में फ़र्क क्या होता है। मित्रों शास्त्रीय जो नृत्य है ये किए जाते हैं सुर लय ताल के साथ। जो नृत्य होता है सुर लय और ताल के साथ जो नृत्य किया जाता है मित्रों उसको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी जाती है, उसको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और मित्रों हमारे उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा नृत्य है मित्रों? कथक जो है हमारे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और मित्रों राजस्थान की बात करें, जब उत्तर भारत का नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य कथक है तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है मित्रों वो भी कौन सा है? कथक। अब मित्रों बात करें कि उत्तर भारत में ये जो शास्त्रीय नृत्य कथक है इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले या इसके जो प्रादुर्भाव करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मित्रों उनमें एक विशेष नाम आता है किसका मित्रों? बिरजू महाराज का। ये बिरजू महाराज जो है इन्होंने उत्तर भारत में इस शास्त्रीय नृत्य का प्रादुर्भाव किया। अब मित्रों राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में कथक जो एक शास्त्रीय नृत्य है इसको लाने वाले कौन थे? तो मित्रों ये थे जयपुर के भानु महाराज। कौन थे? जयपुर के भानु महाराज, जिन्होंने राजस्थान में शास्त्रीय जो नृत्य है उसको लोकप्रिय बनाया। और मित्रों ये शास्त्रीय नृत्य में बहुत ही भलीभांति पारंगत थे और इनके शिष्यों में राजस्थान के कोने कोने में इस शास्त्रीय नृत्य को पहुंचाया। मित्रों वस्तुतः ये जो भानु महाराज थे वे बिलोंग करते थे कहाँ से? जयपुर से। जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी और यहीं से जन्म होता है राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य का। मित्रों वस्तुतः हमारी जो कंपटीशन परीक्षाएं हैं उनमें राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतना नहीं पूछा जाता जितना ये जो टॉपिक है जिसमें राजस्थान के लोक नृत्य जिनको हम कहते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। मित्रों ये जो है इन लोक नृत्यों का समावेश भली भांति रूप से हमारे सिलेबस में रहता है और इन लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। अब मित्रों बात करें कि लोक नृत्य कहते किसको हैं, जो नृत्य का दूसरा प्रकार है। लोक नृत्य मित्रों जो सामान्य जनता द्वारा क्षेत्रीय जनता द्वारा किए जाते हैं उन लोक नृत्यों को, उन नृत्यों को क्या कहा जाता है? लोक नृत्य कहते हैं जो जनता द्वारा किए जाते हैं सामान्य अवसरों पर, चाहे मित्रों वो क्षेत्रीय आधार पर माने, व्यावसायिक आधार पर माने, धार्मिक आधार पर माने या जनजाति आधार पर माने, तो ये जो नृत्य है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। मित्रों अब बात करें लोक नृत्यों की विस्तार से तो मित्रों ये लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों लोक नृत्य जो है वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में मित्रों पहला प्रकार आता है धार्मिक प्रकार। धार्मिक किसे कहते हैं मित्रों? धार्मिक लोक नृत्य जो धार्मिक अवसरों पर किए जाते हैं, मेलों पर किए जाते हैं, किसी संत संप्रदाय की आराधना में किए जाते हैं, इन नृत्यों को धार्मिक लोक नृत्य कहा जाता है। मित्रों दूसरा जो नृत्य है वो आता है लोक नृत्यों की श्रेणी में व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य मित्रों जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हो, व्यवसाय की दृष्टि से जो नृत्य किए जाते हैं उनको व्यावसायिक
नृत्य कहा जाता है। तीसरे मित्रों इस श्रेणी में आते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य यानी क्षेत्र विशेष में हमारे जैसे राजस्थान का क्षेत्र विशेष जैसे जालोर है, जालोर का जो क्षेत्र विशेष का नृत्य मित्रों बम नृत्य है। इसी तरह भरतपुर में जो नृत्य किया जाता है मित्रों वो भरतपुर का क्षेत्र का विशेष नृत्य है। और शेखावटी में जो नृत्य किए जाते हैं शेखावटी में जैसे चंग ढोल ये नृत्य किए जाते हैं। तो वहाँ की जो क्षेत्र विशेष के जो नृत्य है वो क्षेत्रीय लोक नृत्य के श्रेणी में आते हैं मित्रों। बात करें कि जनजातीय लोक नृत्य, ये भी लोक नृत्यों का एक प्रकार है। जनजातीय लोक नृत्य जो राजस्थान की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं विशेष रूप से और जनजातियों में विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। केवल जनजातीय लोग जो है इन नृत्यों को कर सकते हैं। उन इन नृत्यों की कला करने की जो कला है इन जनजातियों में पाई जाती है। तो राजस्थान में जनजातियों द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं इसको कहा जाता है जनजातीय लोक नृत्य। अब मित्रों बात करें तो फ्रेंड्स जानते हैं कथक नृत्य के बारे में मित्रों। कथक जो नृत्य है वो हमारे राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है और इस नृत्य का जो उद्गम है राजस्थान के जयपुर शहर से होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस कथक नृत्य का उद्गम होता है। इसी कारण मित्रों कथक नृत्य को जयपुर घराने मतलब जयपुर घराने को जो है कथक नृत्य का आदिम घराना भी कहा जाता है। आदिम या पुराना घराना भी कहा जाता है जहाँ से इस कथक नृत्य का जन्म होता है मित्रों। राजस्थान में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस कथक नृत्य के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, भानुजी महाराज थे। कौन थे, भानुजी महाराज थे। और भानुजी जो महाराज थे ये कथक नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। और इस नृत्य का जो मित्रों दूसरा जो घराना है, दूसरा जो नवीन जो घराना है वो कौन सा है, लखनऊ घराना। यानी कि पूरे उत्तर भारत में ही कथक नृत्य किया जाता है। और राजस्थान में भी इस कथक नृत्य को लाने वाले कौन थे, भानुजी महाराज थे। तो जयपुर घराने से संबंध रखते थे। और भारत में इसका दूसरा जो घराना है वो लखनऊ है मित्रों। मांगलिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है, मांगलिक या धार्मिक अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। इसी कारण इस नृत्य को मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य के नाम से जाना जाता है, मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कथक नृत्य को। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण फैक्ट था कथक नृत्य के बारे में मित्रों।